चुनाव अपना बच्चे पिछले दफे जीत रहे। पिछले दफे जब हम चुनाव लड़े रहे तो मात्र 7-8 हजार से पीछे रहे, थोड़ का जो कमी हो गई तब वो जीत गए। तो हमें समझ नहीं आता है कि आज का दिन है। यदि आपन आपन पोलिंग समाज बन जाए और हमारे भाई मोनू जी से गुजारिश है कि युवा कांग्रेस के जौन युवा साथी लोग चाहे जौने विधानसभा के हों उनका सूची बनाए के उनसे दस्तखत करा ले, ये दस्तखत करना करा ले तो सहमति ले ले और उनका जवाबदारी उन्हें के पोलिंग दे दे और रिजल्ट मां जौन पोलिंग में सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस के बहनत से जीती ओखा इनाम हमरे कई से 1 लाख रुपए। दूसर जौन रही ओखा 51,000, तीसर 25,000 और जो पीछे रही ओकर कमल काम नगर भी होगा। सीधे सीधे बात सरकार कांग्रेस पार्टी कान खोल के स्पष्ट सुन ले, हमारे सबके काम पड़े थे सरकार से। यदि आजो हम अपना बच्चे चेहरा दिखाए और गड़बड़ हो तो फिर भैया को माफ न करी। साफ शब्द में कही था यह मेरे से हम सीधी वो चुनाव लड़े, यह मेरे अपनों से प्रार्थना, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, हम सब नेता की सूची बना लिए रहे जब इनसे लड़े वाले रहे। हमें सब मालूम है कि दादा के कौन पोलिंग है नीमी में, अतुल सिंह के कौन पोलिंग है गांव के, चाहे जितने बड़े जितने छोट हो सबके पोलिंग की सूची नामजद हमारे पास थी और जेखर पोलिंग पीछे रही उसमें लाल निशान लग जाए फिर न कहा कि भैया हम अपना काम किधर गए रहे, हमारा काम नहीं बा। केहू के काम भंडारण के है कि केहू के काम हाईवा के है, केहू के काम कौनो चीज के हो, काम हो सरकार ऐसे ही हो सकता। यदि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सांसद गणेश सिंह का अब की अपना बच्चे न हराए तो भगवान अपना बच्चे के माफ न कर जाओ। गणेश सिंह जी के बारे में हमसे ज्यादा कौन नहीं जानता। जब दाऊ साहब चुनाव लड़े रहे 91 तो हमारे कार्यकर्ता रहे, मालूम 91 के चुनाव में गणेश सिंह जी बस स्टैंड के ऊपर टूटी टेबल में बैठ रहा था, मोटरसाइकिल तक नहीं रही, किराए के मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसा हम देते रहे जो आज हमें खरीदे की तैयार है। यह कहां से पैसा आवा, वो 2.5 एकड़ की जमीन से पैसा हुआ है। बोल का अपना बच्चे मेहनत नहीं करेगा है, लेकिन जौन मेर से अवैध कमाई शिवराज सिंह जी के सरकार में गणेश सिंह की ही नहीं तो कहां से अपना बच्चे का न्याय करेगी। राहुल गांधी जी कहां से न्याय, बेरोजगार का युवा लोगों का रोजगार इनके घर रोजगार देंगे, लाला लाला के मेहरिया और चाटिया रिश्तेदार उसके अलावा क्यों रोजगार देंगे। एक बात तो हमें अपना का समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसन काम करें, या थोड़ा अपना का अब समझे की जरूरत है। पिछले चुनाव में नारा रहा गणेश विसर्जन, नारा रहा के लिए रहा बोलते बड़े, लेकिन अच्छे अच्छे लोग आखिरी दिन में तुम्हारे घर बैठ गए। हम स्पष्ट बात करें चाहे तो भाई आई हो दर किया है तो फिर रहे आए। देखा भाई अब की यहोद है आए तो हम साफ साफ कह दे जेका बहुत जरूरत हो पैसा लेके तो ले ले, यदि बेईमानी के पैसा से काम चला तो ले ले भाई, लेकिन शीशा के सामने खड़े होकर सोचा कि लिए तो पैसा है बेईमान के तो का फली हमने ओके बादो अपना की मोटाई चर्बी नहीं जा रही है तो हम कहा। नहीं
हाँ ले जाए कि को नसाब है ना भाई दिलीप मिश्रा जी, सबसे गुजारिश है कि आप जिला अध्यक्ष ड्यूटी लग जाते हैं। अब क्या हो कि घूमे घामे की जरूरत नहीं है, माहौल पका है, सिर्फ आपन आपन पोलिंग संभाल ले तो अपना चुनाव जीत जा, तुम्हें कौन दुई राय नहीं। और कौनों बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के आवश्यकता नहीं है, ना बहुत ज्यादा दौड़ भाग करेगी आवश्यकता। कांग्रेस पार्टी के यदि को आज गलत फहमी में हो कि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो हम आंकड़ा बता देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में 71 सीट फिर से मोदी जी के मिल गई, 20-25 से ज्यादा मिली, 40 कम भाई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के हैं, 65 में सिर्फ 3। तो आज के तारीख में कांग्रेस का मिनिमम छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 मिल रही, एक तो शायद ना मिले, 10 कंफर्म। मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत हुई तब 15 से तो पीछे न जा, 25। राजस्थान में 16, 17, 40, तो 40 यन कम भाई, 40 वन कम भाई, द्विन प्रांत में 80 कम हो जाती हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहां से हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा बीजेपी नहीं बन रहे, या कान खोल के सुन ले यदि को अभिनों गलत फहमी हो, यह चर्चा के विषय हो। और जब यह चर्चा के विषय है तो हमारा अपना मंचन के एक सबसे कठिन दिक्कत यह है कि विधानसभा के चुनाव यह पूरे विंध्य अंचल में